अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी ओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। बैच 3 DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी ने भी अनाउंस किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा उसके अंदर मौजूद था, लेकिन इन लोगों ने अपनी वेब पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो इन्होंने अपना फॉर्म भी दिया हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चीज़ दिखा दूँ, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है, किसी भी से आपने अप्लाई करना है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने दिखाया था, अगर आपने फ्रेश सैयद यूनी में अप्लाई करना है तो वो आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ अपडेट्स आई थी, तो मैंने ये वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अपडेट्स आई कि मसला साल आए तो आप इसको जाकर चेक कर लें। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अमेजोन की कोर्सेज भी करवा रहा है एपटेक। उसके बाद ये बनाइए, मैंने इसमें एक्सट्रीम कॉमर्स में क्वालिफाइड किया है, तो ये आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल पेज है DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी के नाम से। तो इस पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर उन्होंने कुछ डेडलाइन मेंशन नहीं की हुई, और इसके अंदर उन्होंने दो लिंक दिए हुए हैं, एक ये लिंक दिया हुआ है, एक ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था। लेकिन कुछ अपडेट्स कर दी गई हैं तो ये दोबारा फिल नहीं हो रहा, यानी एक मरतबा आपने CNS इनपुट कर दिया तो फिर फॉर्म नहीं हो रहा। तो इसका इन्होंने ऑल्टरनेट ये दिया है दूसरा लिंक, अगर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा इनका अपना। अगर वहाँ फिल नहीं हो रहा तो आप जाके ये इस फॉर्म पे डाटा फिल कर दें, एंड एंड पे आके आप सबमिट करते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं इशू आता है या नहीं आता। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, आप लोगों ने भी ऑलरेडी अप्लाई किया होगा। जब मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्ट में तो आप लोगों के पास ऑप्शन था कि इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते थे, और इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जैसी अपडेट की उसके अंदर ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, यानी आप एक मरतबा अप्लाई करते हैं उसके बाद बोलते हैं CNIC इज़ वैलिड, यानी कि आप ऑलरेडी CNIC डाल चुके हैं, वो आप नहीं डाल सकते। तो इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई करना है वहाँ से प्रिंट निकालें, प्रिंट करने के बाद फॉर्म फिल करें और जाके इंस्टीट्यूट में फिजिकल डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा दें। ये आपके पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन बचता है। मैंने काफ़ी कमेंट देखे मैं लास्ट वीडियो में, उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने अपडेट्स किया है, तो अपडेट करने के बाद आपके पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि आप फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जिसमें आपने अप्लाई करना है और जाकर फॉर्म सबमिट करवा दें। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसका फेसबुक पेज पर जाएँ और चेक करें उन्होंने पोस्ट की हुई है या नहीं। उन्होंने पोस्ट की हुई होगी तो उन्होंने अपना फॉर्म दिया हुआ होगा, जिस तरीके से उन्होंने ये फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से। अगर उन्होंने ये वाला फॉर्म अपना दिया हुआ है तो इस फॉर्म पर आप जाके फिल कर दें तो आपको फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि DHA सफ़ा बहुत दूर है मेरे घर से, तो मैं सिर्फ इसमें ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ। इनके से अगर नाम भी आता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं सिर्फ ऑनलाइन फिल करूँगा। लेकिन अगर आपने वहाँ जाना है, आपके करीब में है, तो आप वहाँ जाके फिजिकल ऑनलाइन भी जमा करवाएँ और फिजिकल भी जाकर जमा करवा दें ताकि आप लोग को चांसेस ज़्यादा हो जाएँ। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, मैंने इस लिंक पे किया ओपन। अब मेरा ऑलरेडी CNIC रजिस्टर्ड है, मैं देखता हूँ क्या होता है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी CNIC में रजिस्टर्ड है, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर चुका हूँ और ऑलरेडी कोर्स भी कर चुका हूँ। तो अब देखते हैं मेरा अप्लाई होता है नहीं होता। ठीक है, समवन ऑलरेडी डेट CNIC। ठीक है, तो ये आप लोगों का एरर आ रहा है, ये न्यू अपडेट है, तो आप लोगों का ये लिंक से फॉर्म फिल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, फॉर्म देख लें। फॉर्म देखें सिंपल, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लें, जैसे कि मैं सेंट्रल हूँ आप लिख देंगे कराची सेंट्रल। सेम चीज़ आप डाल देंगे डोमिनो सेल में कराची सेंट्रल। बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी फादर नेम, फादर क्या करते हैं, फादर की इनकम क्या है, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना रिलीजन, अपना CNIC विदाउट टैशेस, अपना एड्रेस यहाँ रह रहे हैं, एजुकेशन लेवल क्या है आपका, लास्ट एजुकेशन आप कर चुके हैं वो डालना है, आपने इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से किया था और उसकी डेट क्या है, जो आपको सर्टिफिकेट पर डेट लिखी होगी वो आप जाके यहाँ डाल लें। बाकी एक्सपीरियंस क्या है, या मेंशन करना आप चाहे कर दें, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहे तो आप नहीं करें मेंशन। मेंशन करेगा तो आपने कब किया और कब तक कर रहे हैं और करंटली वर्किंग आप कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, वो आप डाल लें। इसके बाद स्टेट सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लें, इसमें आप पिक्चर अपलोड करें और आप नो या जो भी है आप करें और सबमिट करवा दें। ये देखें तो आप देखें, आप ऑप्शन खोलेंगे यहाँ पे, ये वो कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, यही कोर्सेज आपको यूनिवर्सिटी करवाए जा रहे हैं, इस पर क्लिक कर दें और सेकंड ऑप्शन आप डाल लें। मैं सेकंड ऑप्शन में भी डाल लूँ फर्स्ट वाला, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप सेकंड पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं ये डाल रहा हूँ, आप सब कुछ फॉर्म फिल करने के बाद एडिटेस कोई फॉर्म फिल करना है और जाके आप सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ आ गया, रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, तो इसका शेयर कीजिए। मैं बात ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।